लें जी दोस्तों, हमारा केज आ गया है, मुर्गियों के लिए मंगवाया था, तो ये सामने हमारा केज है, देख लें आप लोग। रिक्शे पे अब्दुल्ला ने भेज दिया, मैं उनसे बोला था लोड करके भेज दो, तो उसने भेजा था। कि अभी जो है ना काफ़ी बारिश हो रही है, ये हमारे सिटी का हाल है, आप लोग देख लें भाई, ये देख लें जी, बारिश तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है। तो ये सामने केजरा रिक्शे वाला भी घर लेके चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बारिश हो रही है दो तीन दिन से, वो देख लें आप लोग। ये हमारे जैक एंड फियोना को मैंने कवर किया हुआ है, उसके बाद ये जो शीट है ये मैंने उतार दी, ये परसों की, तो ये देख लें। ये बाकी सामान उतार के ये रखा हुआ है, जो पैरेट वगैरह हैं वो मैंने सामने रूम में शिफ्ट कर दिए थे, तो अभी ये एप्पल लेके आया हूँ मैं अपने पैरेट के लिए, अभी एप्पल वगैरह उनको देते हैं खाने के लिए। डकी गैंग हमारा ये रहा। उसके बाद ये केज में मंगवाया अब्दुल्ला से ना, केज आ गया हुआ, तो ये अब इसकी सफाई वगैरह करवा के ना, तो इसको उधर शिफ्ट करेंगे। अभी बारिश है तो इसको अभी शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि ये लकड़ी का है, तो इस वजह से इसको इधर ही रखते हैं। अभी जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होता है, बारिश रुकती है, फिर इसको उधर ना ये सुल्तान वाले केज के साथ और डकी गैंग वाले केज के साथ हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये फ्रेम बनाया था मैंने, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम दे रहा है जो है ना। इसके बाद ये बॉक्स मैंने इधर लगाए हैं, तो देख लें आप लोग। अभी इसके अंदर मैंने ना थोड़ा सा और नेस्ट मटीरियल रखना है, इसमें थोड़ा सा रखा हुआ है और इसमें रखेंगे अभी, ताकि डक वगैरह जो इसके अंदर अंडे दे लें, और जो हमारी सिल्की हैंड्स है ना वो भी इसके अंदर जो है ना आके जो है ना अंडे वगैरह दे लें। बाकी ये एक ट्री मैंने इधर लगाया, माशाल्लाह से काफ़ी लुक दे रहा है। और दूसरा ये जो पौधा आपको सामने नज़र आ रहा है ना कैक्टस का, ये इसकी एज जो है कितनी हो गई, चले मैं आपको बता देता हूँ। ये और ये जो पौधा है ना हमारे सेटअप पे, हमारे घर पे सबसे पुराना पौधा है इस जो ये वाला जो पौधा है ना, इसकी जो एज है ना, इसकी एज तकरीबन है 20 साल, ठीक है, 20 साल इसकी एज है इस वाले की। और जो इस ये वाला पौधा है ना, इसकी एज भी तकरीबन 19-20 के आसपास में, ठीक है। ये दोनों पौधे जो है ना हमारे सेटअप पे बहुत ही पुराने हैं। उसके बाद ये सुल्तान को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया हुआ है, तो अभी हम अपने सुल्तान को भी डाइट डालेंगे, तो माशाल्लाह से आप सुल्तान को भी देख लें। बाकी दोस्तों जो है ना पिजन्स को मैंने अच्छे से कवर कर दिया हुआ है। आज मैं आपको दूसरा सरप्राइज़ भी बता दूंगा जो इस्लामाबाद से लिया था। एक तो मैंने आपको दिखा दिया था, जो मैंने वाइट सिल्की हैंड्स ली थी वो भी मैंने आपको दिखा दी थी, और दूसरा सरप्राइज़ जो है इस केज में बंद था वो भी आज मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये आप देखें माशाल्लाह से इधर से कितनी प्यारी लुक दे रहा है। उसके बाद जो सिल्की हैंड्स हैं वो भी सामने रूम में हैं, और उसके बाद जो हमारे चिली मिली हैं वो भी हमारे रूम में हैं, उसके बाद जो जैक और जो हम कूंज लेके आए थे ना वो इधर सामने कमरे में मैंने बंद की हुई हैं, ठीक है, क्योंकि बारिश थी तो इस वजह से मैंने इनको बंद कर दिया था, ताकि जो है ना वो बीमार ना हो जाए, सर्दी ना लग जाए। तो इस वजह से अभी जो है ना एप्पल वो मैं अपने बर्ड्स को डालता हूँ, और ये जो सामने शीट है ना ये मैं थोड़ी सी उठा देता हूँ, ताकि जो ऑप्टिकल डब है उनको भी यानी कि हवा शवा जो है ना वो लग जाए, बाहर का माहौल वो भी देख लें। तो अभी एप्पल डालते हैं, साथ में आपको भी दिखाते हैं। तो अभी जो है हम अपने सिल्की हैंड्स को भी बाहर निकाल देते हैं, और ये रहे हमारे वाइट सिल्की। उसके बाद हम अपने ये रहा हमारे चिली मिली, आज मैंने इनको इधर ही केज में डाल के इधर रूम में रख दिया था, तो अभी इनको भी बाहर निकालते हैं ताकि ये कुछ खा पी लें। इधर ही इनको रख के ना बाहर निकालते हैं ताकि बाहर आ जाएं। ये देखें जी माशाल्लाह से, तो ये जो केज हम उठा के इसको ऊपर रख देते हैं जी इधर, ठीक है। अभी इस रूम में ना लाइट थोड़ी है, इधर ना वो जो बल्ब है ना ऊपर वाला, ये मैं देखता हूँ कौन सा लगा हुआ है, पिन वाला है दूसरा चूड़ी वाला है जो भी हुआ ना, तो फिर वो उतार के तो उसकी जगह बड़ा बल्ब लगाएंगे, ताकि रोशनी ज़्यादा हो जाएगी इस रूम में। अभी मैं इनको बाहर निकालूं, तो उसके बाद क्या नाम लेते हैं हम अपने एप्पल को फ्रूट वगैरह डालते हैं। चलो बाहर, ये जी बाहर जा रही, चलो 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 बाहर, शाबाश, चलो बाहर,
माशाल्लाह से ये देखें जी आप लोग कितने प्यारे हैं। माशाल्लाह अब ये खा पी लें तो उतनी देर में अपने पैरट्स को जो है वो एप्पल डाल लूं। किधर हम एप्पल ये देख लें जी माशाल्लाह से। बाकी चिली मिली हमारे ये घूम रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। डकी गैंग उधर एंजॉय कर रहा है। अभी ये हम एप्पल जो है वो अपने पैरट्स को खाने के लिए देते हैं। ठीक है दोस्तों तो सब पैरट्स को मैंने एप्पल जो है वो डाल दिए। तो ये सनक्रोन की फीमेल नीचे आई है। रा जो है वो इस टाइम खाने में मसरूफ़ है जो मेल है। उसके बाद ये ग्रीन कनोर ऊपर ये जो है ना सारे पैरट्स जो है ना इस टाइम एप्पल खाने में मसरूफ़ हैं देख सकते हैं आप लोग। बाकी दोस्तों मैंने डायमंड डव के आगे भी दाना वगैरह रख दिया। फिंचेस के आगे है दाना तो बाकी पैरट्स के आगे भी मैंने एप्पल वगैरह जो है ना फ्रूट वो रख दिया। माशाल्लाह से मुर्गा जो हमारा ना वो अजान दे रहा है। चिली मिली इधर रहे तो भी जो है हम तो दोस्तों अभी जो है हम अपने पिजन्स को बाहर निकाल देते हैं। साथ आपको जो है वो सरप्राइज़ भी अपना न्यू दिखा देते हैं। तो इसको उठा के ना शीट को ये मैंने कवर किया हुआ था बारिश से बचने के लिए ना। तो अभी इसको मैं उठा लूँ पहले तो लें दोस्तों मैंने जो है वो कवर उठा दिया इनका। तो अभी सरप्राइज़ जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में है। तो अभी मैं आपको सरप्राइज़ भी दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा न्यू सरप्राइज़। ये मैं इस्लामाबाद से एक ये लेके आया था और दूसरा ये वाइट सिल्की जो है जन वो मैं लेके आया था। तो अभी जो है मैं ओपन करके ना आपको करीब से दिखाता हूँ अपना सिल्वर शराजी का पेड़। माशाल्लाह से आप चेक करें ये जो है ये मेल है और जो दूसरी साइड पे है वो फीमेल है। तो अभी इनको बाहर निकालते हैं। ये जो है इनको भी निकालते हैं अभी बाहर। आ जाओ बाहर। तो माशाल्लाह से अभी इनको मैंने निकाल दिया है। माशाल्लाह से आ गए हैं सारे बाहर। तो देखते हैं ऊपर वाले भी आते हैं कि नहीं। माशाल्लाह से हमारा जो मुर्गा है ना वो जाने दे रहा है और मुर्गियां हमारी ये हैं। सारे बर्ड जो है मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी ये बाहर नहीं आ रहे लगता है। इनको खुद पकड़ के बाहर निकालना पड़ना है। तो अभी दोस्तों इनको पकड़ के हम खुद ही बाहर निकालते हैं क्योंकि ऐसे तो उन्होंने आना नहीं बाहर। तो बाहर निकालते हैं शायद फीमेल जो है इसकी तरफ देख के खुद ही बाहर आ जाए। मेल मैंने निकाल दिया बाहर। तो फीमेल को भी पकड़ के निकाल देंगे क्योंकि मैंने निकाला नहीं इसको जिस दिन के आए हुए हैं बाहर। वो हो गई फीमेल जी। माशाल्लाह से आप लोग देख लें बहुत ही प्यारा पेड़ है ये भी। आप लोगों ने लाजमी कमेंट पर बताना है कि आपको ये वाला सिल्वर जो शराजी है पेड़ कैसा लगा। ठीक है लाजमी बताना आप सब लोगों ने। माशाल्लाह से सारे जो बर्ड्स हैं मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैंने ये नीचे वाले पोर्शन की थोड़ी सी सेटिंग करनी है तो वो भी मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ। अभी मैं मास्क लगा लेता हूँ क्योंकि केज वगैरह में जब भी आपको काम करना हो तो आप मास्क वगैरह लगा लिया करें। तो अभी जो है हम अपने पिजन्स के आगे दाना डालते हैं ताकि ये खा लें दाने को। तो ये देखें सारे पिजन्स खाने में मसरूफ़ हैं इस टाइम। सारे बर्ड्स भी इधर से आ गए हैं। डकी गैंग भी आ गया। इनके आगे भी हम दाना रखते हैं ताकि ये भी खा लें। तो दोस्तों माशाल्लाह से आप चेक करें सारे पिजन्स जो हैं वो दाना खाने में इस टाइम मसरूफ़ हैं। पानी भी मैंने बर्तन में रख दिया और डकी गैंग को मैंने उस साइड पर भेज दिया। अभी दाना उनके सामने रखते हैं। तो उसके बाद हम अपनी कूंज जो है उनका भी दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि अगर उन्होंने भी बाहर आना तो वो भी बाहर आ जाएँ क्योंकि बारिश बंद हो गई है। तो ये रही हमारी कूंज। तो अभी इसको भी बाहर लेके आते हैं हम लोग ना। ये भी स्टोर रूम है। जो फालतू सामान है ना वो भी हमने सारा इधर रखा होता है। ये स्टोर रूम है सारा। ठीक है देख लें आप लोग। तो अभी इनको बाहर निकाल दें। देखें इन्होंने क्या हाल किया। तो अभी ये बर्तन जो उठाते हैं और इसको भी बाहर लेके चलते हैं हम लोग ना। ये उधर रखते हैं ताकि डकी गैंग जो है वो भी दाना खा ले। तो भी रखा है हमने। तो ये दाना इधर से खा लेते हैं डकी गैंग भी। ले जी दोस्तों भला इसमें क्या करना। अब ये मैंने इसके अंदर से निकालने लगा हूँ। उसके बाद ये बर्तन वगैरह निकालने लगा मैं। ठीक है जी। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका क्या करना है मैंने। ठीक है
दोस्तों जो है मैंने जैक और फियोना का भी कवर उठा दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो है अपने किंग एंड क्वीन उनका भी मैंने कवर उठा दिया। तो उसके बाद क्या नाम लेते हैं, कूंज को मैंने बाहर निकाल दिया माशाल्लाह से। आज इनका नाम भी रखते हैं हम ना कूंज का, माशाल्लाह से आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। एक तो वो गमले के पीछे है और ये जो इधर है ना ये वाला ये मेल है, और दो उस साइड में वो दोनों फीमेल हैं। तो अभी इनको रोटी के पीस डालते हैं। माशाल्लाह से ये टेम है, डरती नहीं। जो पहले वाली थी वो बहुत ज़्यादा डरती थी, पास भी जाते थे ना बहुत ज़्यादा दौड़ लगाती थी वो। और ये गमला मैंने इधर रख दिया, वो सामने पड़ा हुआ था उधर ना जैक और फियोना के केज के पास, तो वो उठा कर मैंने इधर रख दिया। तो बाकी दोस्तों वो देखे हमारे जैक और फियोना जो है ना माशाल्लाह से, अभी मैंने खुश्क दाना उनके आगे डाला। पहले वाला था वो बारिश की वजह से गीला हो गया हुआ था, तो मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ। वो देखे माशाल्लाह से खा रहे हैं हमारे जैक और फियोना। तो ऊपर मैंने इनको कवर कर दिया अच्छे से ताकि बारिश का पानी जो है ना इनके नेस्ट में ना जाए। नेस्ट इनका थोड़ा सा नहीं गीला हुआ था इसलिए मैंने ऊपर शीट डाल दी, शापर वगैरह जो होता है वो डाल दिया। उसके बाद ये हमारे न्यू पिजन रहे इधर घूम रहे हैं, दाना शाना खा के सारे जो है ना इस टाइम चिल कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको किंग और जो क्वीन है वो दिखाता हूँ। ये देख लें जी माशाल्लाह से, जो किंग है वो इस टाइम खा रहा है मज़े से, और जो क्वीन है वो ऊपर बैठ के तो हमें देख रही है। और ये फोस्टर पेयर हमारे खुमरे, इनको भी मैंने दाना डाला है, और माशाल्लाह से चारों जो हैं वो खाने में इस टाइम मसरूफ़ हैं। तो दूसरा अभी जो है मैं दिखाता हूँ जो मैंने पिजन्स का, वो हमारे जैक और फियोना, मैं आपको करीब जा कर दिखाता हूँ, ये देख लें आप। तो उसके बाद जो मैंने केज है ना पिजन्स का जो आपको बता रहा था कि मैंने किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें। ये मैंने फुल खाली कर दिया, तो अभी इसका मैं सेटिंग करके वो भी आपको दिखाऊंगा, आप भाइयों के साथ शेयर वगैरह करूंगा, ताकि जिन भाइयों ने आगे फ्यूचर में क्या नाम लेते हैं पिजन्स वगैरह रखने हैं उनको पता चल जाए कि कैसे रखने हैं, कैसा सेटअप बनाना है। ये जो है ना डकी गैंग, जो इनका सरदार है मेल डकी गैंग का, वो हमारी कूंज को जो है ना वो उनके साथ झगड़ा कर रहा है, तो इसलिए हम कूंज जो है ना वो दूसरी साइड पर ले जाते हैं, उधर चल के इनको दाना डालते हैं। क्योंकि ये जो एरिया ना डकी गैंग उनको बताना चाह रहा है ये एरिया जो है ना मेरा है, तो इस वजह से कून जो हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें। उसके बाद जो है कूंज हमारी उनको हम उधर ही दाना डालते हैं। माशाल्लाह से जो हमारी ये कूंज है वो दाना खा रही है इस टाइम, आप देख लें। तो उसके बाद क्या नाम लेते हैं हम ना भी अपने सुल्तान को डाइट डालते हैं, साथ में आपको भी दिखाते हैं भाइयों को डाइट इसकी, ये मैंने रखी हुई है। तो अभी हम अपने सुल्तान को जो है वो डाइट डालते हैं। तो दोस्तों ये है चिकन, तो ये भी हम अपने सुल्तान के आगे रखते हैं। देखें कैसे शोर मचा रहा जल अपने अपनी डाइट की तरफ देखें ना, ये तो उसने काफ़ी बारीक कर दिया। ये लो जी आ जाओ, ये देखें जी माशाल्लाह से खा लो जी मज़े से, काफ़ी बारीक कर दिया यार उसने। चलो नेक्स्ट टाइम मैं बोलूँगा उसको कि ज़्यादा बारीक नहीं करना, ये तो उसने काफ़ी बारीक कर दिया इसकी जो डाइट है ना। तो ये जो केज है ना इसकी वो क्या नाम लेते हैं प्लाई वगैरह जिसमें ये नीचे रखनी है, ठीक है, वो तो क्या नाम लेते हैं मिल गई थी मुझे शॉप वाले के पास ही पड़ी थी, वो भी वो गाड़ी में पड़ी हैं, वो भी ला के इसमें मैं ना सेट कर दूंगा, तो सेट करके भाइयों के साथ मैं शेयर भी करूँगा। फाइनली जो है वो मैं टोकरियाँ ले आया हूँ गाड़ी से, ये पड़ी हुई हैं चार टोकरियाँ, तो ये अभी मैं केज के अंदर सेट करूँगा, ठीक है। सेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या सीन किया, कैसे आप जो है घर पे पिजन सेटअप जो है आप बना सकते हो अच्छा सा करके, ज़्यादा आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। 50 हो गई आपको ना टोकरी मिल जाती है फ्रूट वाले से या कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको सेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका केज का जो है वो अंदर का व्यू दिखाता हूँ। लें दोस्तों चेक करें आप, ये देखें जी माशाल्लाह से ये टोकरियाँ लगा के एक ऊपर घर बना दिया ये वाला, एक नीचे बना दिया, ये मैंने अंदर देखें नेस्ट मटेरियल रखा है, तो एक घर मैंने इधर बनाया और एक ऊपर बनाया, ठीक है जी। देख लें नेस्ट मटेरियल भी मैंने अंदर रख दिया, आप जो चेक करें माशाल्लाह से। तो आप घर से ना इस तरह से आप बना सकते हैं, अब इसके अंदर आप चार पेयर लगा सकते हो, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत बन गया। तो उसके बाद अभी मैं इनको इधर बंद करके भी उसके बाद भी आपको मैं अंदर का व्यू दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों कबूतर जो हैं पिजन्स वो मैंने बंद कर दिए हैं, वो देख लें आप लोग, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखें माशाल्लाह से
शिराजी का पेड़ वो ऊपर हो गया, सिल्वर का ब्राउन वाले का जो रेड शिराजी उनका नीचे हो गया, वाइट वाला वो उनका नीचे होगा इस साइड पे, ठीक है। आप देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक दे रहा है। तो रोटी के मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं, ये पड़े हुए हैं, कभी इनके आगे रखते हैं, चेक करते हैं, साथ में आपको भी दिखाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते ये। माशाल्लाह से देखेंगे आप लोग, अभी मैं इधर पास ही बैठा हूँ इनके, ये देख लें चेयर पे, तो देखें आप माशाल्लाह से काफ़ी मज़े से खा रहे हैं। आस्ता आस्ता इनको हाथ पे खिलाने की भी हम ना ट्राई करेंगे, और ये जो है हाथ पे खाने की भी आदी हो जाएंगे। पहले ये जिस बंदे के पास थे ना उसके हाथ पे भी खाते थे, अभी ये नई जगह पे आए हैं तो इंशाल्लाह जल्दी ये टेम हो जाएंगे। ये जो खा रहा है ना ये वाला ये मेल है, तो अभी और जो पीस है ना इनके आगे फेंकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से आप लोग, माशाल्लाह लाजमी बोल दिया करें। तो दोस्तों बाकी जो पीस है मैं आगे डाल देता हूँ इनके, ये भी ताकि ये भी खा लें, ठीक है। तो अभी इनको माशाल्लाह से आप देख लें, सारे बर्ड्स को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। धूप वगैरह भी निकल आई है, कून जो है वो सामने घूम रही हैं, तो इनका नाम तो आज तो नहीं, कल रखूँगा इंशाल्लाह मैं इनका नाम भी। पिजन्स भी बंद कर दिए हैं, और धूप वगैरह जो है वो निकल आई है, बर्ड्स जो है ना डव वगैरह इंजॉय कर लेंगे, वो देखें धूप को इंजॉय कर रही हैं डव। और दूसरा वो चिली मिली को मैंने अंदर बंद कर दिया, और जो हमारी वाइट सिल्की हैंज है वो भी अंदर चली गई हैं, तो अभी डव जो है वो धूप का मज़ा लेंगी। तो अभी हम भी जो है वो चलते हैं नीचे। बाकी जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें आपको।